कोई है यहाँ पर? साउंड आ रहा है आपको किसी पे ढूंढ लेगा। ये देखिए ये शेर हिल रहा है यहाँ पे। ये देखिए इधर भी कोई साउंड आ रहा है। आप लिटर इसकी रोंगटे देखिए, फुल दोनों हाथ के रोंगटे खड़े हैं। और ये पेड़ हिल रहा भी अगर आप कोशिश करेंगे देखने की, देखिए पेड़ हिल रहा है। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था इनको छेड़ने का, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जो थोड़ी सी यहाँ चुभ गई हैं, ठीक है। और जब कुछ यहाँ चुभ जाता है तो वो बाद में बात करेंगे किस वजह से ऐसा हुआ। बस अभी फ़िलहाल शॉर्ट में आप इतना समझ लो कि मैं अगर कुछ कह रहा हूँ तो उसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि इनको हर चीज़ अपने वीडियोस में जो है निगेटिव ही नजर आती है, यानी कि भूत ही नजर आता है। ये काली माता का मंदिर है, ये इसके वहां पर ऐसे कोई चलता हुआ मतलब बहुत देर से उस तरफ दिख रहा था, फिर यहाँ पे इधर आया, जैसे मैंने कहा क्या मदद करो, अब कुछ नहीं दिख रहा है। और ये रोड है जहाँ पे ना वो औरत आपके पीछे मतलब आपको बुलाती है मगर जाने का नहीं, अगर आप चले गए तो आप बीमार पड़ जाओगे। तो ये तो भाई उस बात को मैं आपको बता दूं कि कोई जरूरी नहीं होता है कि हर जगह जिसे आप जिस नकारात्मक ऊर्जा को आप भूत बता रहे हो, ये भी तो सोचिए कभी ऐसा भी तो हो सकता है यार कि वो एक सकारात्मक ऊर्जा हो सकता है ईश्वर आया उस और आप फील ना कर पा रहे हो, उसे आपने भूत बता दिया। क्यों पॉजिटिव? अगर निगेटिव होती है तो क्या पॉजिटिव नहीं होती है? सकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं, हमारे साथ साथ हमारे जो है पुरखे भी होते हैं यार, वो सकारात्मक होते हैं। कभी कभी वो आभास कराते हैं आकर के हमको अपने एहसास मतलब अपने पास होने का एहसास कराते हैं, और अगर हम उन्हें भूत मान लें वाह भाई वाह, ऐसा नहीं है। फिर दूसरी चीज देखने वाली बात यह है कि आप घूम फिर के दिल्ली के ही हर हॉन्टेड प्लेस को दिखाते हो, कभी रेस्टोरेंट पकड़ लेते हो, कभी जो है सो क्या बोलते हैं खूनी झील पकड़ लेते हो, और कभी संजय वन। ये जो पेड़ हिलाते हो जा करके, ये पेड़ ये भी बता दिया करो या बिहाइंड द सीन बना दिया करो कि बंदर हिलाते हैं भाई, ये पेड़ भूत नहीं हिलाता है। ये जो हरकतें और एक्टिविटीज हैं इसे कम करो, इसे बंद करो, तब मजा है हॉन्टेड का। वरना यही है कि फायदा आपका जो है एडवांटेज तो आपको मिलेगा इस चीज का, नो मैटर कि आपको व्यू मिलेगा, ठीक है, कुछ लाइक्स भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक समय आएगा आगे चल करके तो उसमें जो आपके सब्सक्राइबर हैं उनका माइंड इस चीज़ को जो है अब्सॉर्ब कर लेगा कि यार ये बस दिन पर दिन फेक 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 और फेक। हाँ, अगर आपने मतलब पीछे मुड़ के देख लिया ना तो आप उसको देख के डर जाओगे और वो सारी एक्टिविटीज जो है वो आपके साथ घर तक आ जाती है। ऐसे करके कि शमशान घाट के अंदर झांक रहा था और मेरे को आवाज आ रही थी कि मुझे बचा लो, गाइस आप लोगों ने तो छाप अगर अपनी छोड़नी है, इम्पैक्ट अपना छोड़ना है आने वाले समय में अपने चैनल का या अपनी जनता को अपने सब्सक्राइबर को, तो इस तरह की छाप छोड़ो कि जनता खुद आपसे आप मतलब बोले इस चीज को कि यार हाँ हो कुछ है इसमें दम है, जैसे कि इन चैनलों के बारे में बोला जाता है ये दम रखते हैं और फेक नहीं दिखाते हैं, इस वजह से ऐसा बोलते हैं लोग इनको, ठीक है ना। और इस भाई को देखो, नया भाई अपना, हालांकि है तो पुराना ही भाई लेकिन अब फिर से नया भाई बन गया क्योंकि चैनल अपना बना लिया है, तो इसकी भी शुरुआत बहुत अच्छी है और कुछ भी फेक नहीं कर रहा भाई, जहाँ जा रहा है मतलब जो भी हमारे सामने शो कर रहा है वो वही शो कर रहा है जितना उसके साथ हो रहा है, जो फील कर रहा है वही दिखा रहा है, क्या गलत कर रहा है, कोई फेक थोड़ी दिखा रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपका ब्रिस्तान चले गए, कपड़ा वो देखो कपड़ा पड़ा है और आई थिंक उसी के अंदर बच्चा छुपा है, ऐसा मत करो भाई। आपसे ज़्यादा फिक्र वहाँ के लोगों को, उस आस पड़ोस के पड़ोसियों को, उस आस पास के प्रशासन को होगी, अगर वहाँ बच्चा रोएगा
तो जिम्मेदारी सर्वप्रथम प्रशासन की होगी, वो देखेगा खुद ही। आप आपको नहीं मतलब आप क्यों ठेकेदार बने हो यार, ऐसा मत करो, कोई फायदा नहीं है। गूगल टाइम लोगों को दिखाओ अगर हॉन्टेड बनाने का शौक है। 6 बजे और 7 बजे शूट करने से जो है हॉन्टेड नहीं हो जाता है वीडियो। अभी पब्लिक आपकी मेरे से बोलेगी, आप ही में से कुछ सब्सक्राइबर उनके होंगे जो मेरे से बोलोगे कि भाई तू क्यों नहीं चला जाता है, तो भाई मैं 6 बजे और 7 बजे वीडियो नहीं बना सकता, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मूर्ख नहीं बना सकता आप लोगों को। हम अपनी, हमें अगर कुछ दिखाना होगा तो हम अपनी क्रिएटिविटी से दिखा लेंगे, ठीक है ना। हम चैनल ही अपना अगर बनाए हैं और अगर हमको वीडियो ही बनाना होगा तो मैं एडिटिंग और क्रिएटिविटी से कुछ भी कर सकता हूँ, उस पर खुश हो जाना, तसल्ली रख लेना अगर रखना चाहते हो तो। लेकिन अगर वो मांगोगे मेरे से तो वो तो नहीं कर सकता भाई, एक गलती कर चुका हूँ पर अब नहीं कर दूंगा, और वो गलती आप देख सकते हो जाकर के, मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है और इसी बंदे के साथ में पड़ा हुआ है। हालांकि उस मैटर को मैं नहीं छेड़ना चाहता हूँ, कोई मतलब नहीं है। दिखाई कैमरे में, दिखाई एक सेकंड, आपको अगर दिख रहा होगा तो वो कैमरे में शायद शो भी हो रहा है, एक आदमी भाग रहा है वहाँ पे भी। देखिए वाजपेयी जी भी, देखिए पीछे, हमारे मिलिट्री पीछे, कैंप पीछे के कोई लाइट जल रही है, वाजपेयी जी कोई लाइट कोई निकल रहा। किसी के चैनल को जो है खराब करना ये अपने उसूल नहीं है, बस तकलीफ थोड़ी सी ये है कि ये फाउंडर लिखता है नीचे ना, ये फाउंडर नहीं है, ये भाई फाउंडर है, ठीक है ना। इस चैनल का जो फाउंडर है वो ये भाई है, वो ये नहीं है। अब आप लोगों में से कुछ लोग जो है नहीं जानते हो इस चीज़ को, तो कभी एक्सेप्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि हमारा माइंड सेट है कि जब कोई बड़ा आदमी हो जाता है या ऊंचाई की तरफ चला जाता है तो छोटा क्रिएटर हेटर्स में तब्दील हो जाता है। ऐसा नहीं है, हेटर्स में तब्दील नहीं हुआ हूँ, क्योंकि अगर मुझे हेट करना होगा तो मैं इनसे क्यों करूंगा। तो 75-76 के पे है, 2 लाख वालों से करूंगा यार, 5 लाख वालों से करूंगा, क्यों करूंगा सर्वप्रथम ये सोचो आप। हेट करने की कोई वजह होनी चाहिए, हाँ चोट जरूर पहुंची है, तो चोट करने वाला हेटर में बदल जाता है, ये सच है। लेकिन हेट अभी भी नहीं कर रहा हूँ, बात अभी भी वही उठा रहा हूँ जो पहले उठाता चला आया हूँ। एनालिसिस वीडियो अगर किसी के और के बारे में बनाए तो वहाँ पे भी बात वही करी है जो लाजमी था, और उनकी अप्रिसिएट भी की है, ऐसा नहीं है, जो चीज़ें उन्होंने अच्छी दिखाई हैं उनका खुल के जो है सम्मान भी किया है। तो ये आपको समझना आई, ये हेट है या फेक है, मैं फेक की बात कर रहा हूँ, हेट की बात नहीं कर रहा हूँ। और हेट ये कब हुई है मेरे को, जब इन्होंने फाउंडर लिखना चालू कर दिया और इन्होंने कुछ वादे लिए थे मेरे से कि वाजपेयी जी आप जो कुछ कर रहे हो मेरे चैनल के लिए कोई नहीं करता आज की तारीख में, और उस वक्त ये 200 सब्सक्राइबर पे थे, 200 सब्सक्राइबर ओनली, लेकिन आज 76K पे हैं, अच्छा है। और मैंने तो मेरे पीछे पिछले वीडियो देखिए, जितनी मैंने ईश्वर से कामना की इस चैनल के आगे बढ़ने की, शायद कोई करता होगा, आप में से नहीं करें यार कुछ लोग, क्यों करोगे आप तो सिर्फ वीडियो देखते हो, लेकिन मैं करता था, क्यों, क्योंकि जनरेटर था मैं इस चैनल के, जन्म दिया इस चैनल को, सजाया संवारा इसे, पाला है। और वही है ना किस्सा, वही कि पाल पोस के बच्चे को जब बड़ा कर दो तो वही बच्चा धोखेबाज निकल जाता है, तो इन्होंने वही किया जो लाजमी होता है यार, करते हैं लोग ज्यादातर केसेस में, यही होता है कि आदमी जब ऊंचाई पर चला जाता है तो छोटे की कोई औकात नहीं रह जाती, और फिर अपने जो जनरेटर होता है उसी को भूल जाता है। मैं इनसे बोलता हूँ फ़ोन पे, मेरी इनसे बात होती है, मैं कॉल रिकॉर्डिंग तो आपको नहीं सुना सकता हूँ, और होगी भी नहीं मेरे पास, कोई मतलब भी नहीं बनता, और होती भी तभी नहीं सुनाता मैं, तो बात होती है। तो ये बंदा आज मेरे से यही बोलता है कि वाजपेयी जी सब मेहनत का नतीजा है, मेहनत का है, अच्छी बात है, लेकिन यार उस मेहनत को भूल गए आप, जो 200 से आपको जो है 50K पे ले गया, 30K पे ले गया, उस मेहनत को भूल गए आप, कितना परेशान थे आप, कितना
भूल गए उन दिनों को, हमारे इन वीडियो को देखो आप मैंने क्या क्या बोला है। लेकिन पर्सनली मैं कहूँ तो द रियल रिवील्ड राहुल भैया, राहुल दुबे जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, व्यक्तित्व उनका काफ़ी अच्छा है। आपके चैनल की शुरुआत के लिए मैंने अपना चैनल स्किप कर दिया, काम करना बंद कर दिया, उस पर कोई वर्क नहीं किया। उसका रीज़न ये था कि आपने कहा था कि यार कुछ फेक चैनल हैं, वो फेक हॉन्टेड दिखाते हैं, बनावटी चीज़ें दिखाते हैं, तो मैं कुछ रियल दिखाना चाहता हूँ और जैसी जो हॉन्टेड प्लेस होगी, जो लोकेशन होगी, वहाँ पर जाकर लोगों को वही अनुभव कराना चाहता हूँ जो रियल में वहाँ पर होता है। तो मेरे को अच्छा लगा था कि चलो यार एक भाई अपना आएगा हॉन्टेड लाइन पे और अच्छी शुरुआत कर रहा है, तो कुछ ये भी जो है कुछ करेगा, चैनल अच्छा चलेगा इसका, और इस चैनल को क्यों ना उठाया जाए। तब तो चैनल का नाम भी नहीं था, ये नाम नहीं था। खुल के बताओ ना अपनी जनता को, अपने सब्सक्राइबर को, कभी नहीं बताया आपने। क्यों? क्योंकि मन में चोर था, दिल में चोर था, और मैं इस बात को समझ नहीं पाया कभी, क्योंकि मुझे लगता था कि यार भाई अपना कुछ भी कर रहा है ठीक है, मतलब मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता था कि मेरे साथ एक साजिश चल रही है, एक खेल चल रहा है। मैंने इन चीज़ों को बाद में फील किया कि बाद में कि यार मेरे साथ तो दिमाग लगाया जा रहा था, मैं हेल्प करता चला आया, और दिमाग कहाँ कहाँ पर लगाया मैं वो भी आपको काउंट करा सकता हूँ, ये आप भी जानते हो। मैं जब आपके साथ शूट पर गया था और दिल्ली आया था तो पहला दिमाग आपने वहीं पर खेल दिया था, लेकिन मैं ना समझ पाया था। आपने जब वीडियो शूट किया था तो सबसे पहले आपने जो आपके वर्ड्स थे वो ये देखिए क्या थे, दिल्ली कैंट, दिल्ली कैंट का ये रास्ता जो है यहाँ पे वाजपेयी जी को हम लेके आए इनके डर को खत्म करने के लिए। वाजपेयी जी आप बताइए यहाँ की क्या आप लोगों से बता रहे हो कि जी हाँ आज मैं ले करके आया हूँ वाजपेयी जी को, तो वो आपका पहली साजिश वहीं पर थी जो मैं नहीं समझ पाया, नहीं समझ सका यार, क्योंकि दिल में प्रेम था, इस चीज़ों में दिमाग ही नहीं गया कि खेल भी राजनीति भी होती इसमें यूट्यूब में। तो पहला खेल तो यही खेल दिया आपने ना कि आज मैं ले करके आया हूँ वाजपेयी जी, तो आपने क्रेडिट हमेशा स्वयं को दिया। ये मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा क्रिएटर है जिससे रिक्वेस्ट करने के बाद आपको जो है कोलैबोरेशन मिली थी उसकी, भूल गए आप उसे, जिसे कहते हैं लोग द रियल वन, हॉन्टेड का बाप। कितनी मिन्नतें करी थी आपने, और मिन्नतें करने के बाद आपके साथ कोलैप्स किया था उस बंदे ने, और उस वीडियो में भी आपने क्या कहा ये नहीं बताया कि आज मैं जो है दीपक भाई के साथ आया हूं, द रियल वन टीम के साथ आया हूं, बल्कि आपने उस वक्त भी ये कहा कि आज मैं आप लोगों के सामने ले करके आया हूं दीपक भाई को, या दीपक वर्मा को, जो कि बहुत बड़ा क्रिएटर है, द रियल वन है। तो क्रेडिट आपने वहां पे भी दीपक को नहीं दिया, क्रेडिट किसे दिया, स्वयं को दे दिया, ठीक है ना। ये मेरा बेटा, हाय बोल दो, हाय कह दो दोस्तों, दोस्तों कह दो, मेरे पापा का जो है जो चैनल है, मेरे पापा का जो चैनल है और तो और वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने नए दोस्त पर और अपने नए दोस्त पर शेयर कीजिए। इस पे देखो, इस पे देख करके बेटा, कैमरे में देखा जाता है, स्क्रीन पे नहीं देखा जाता, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख करके बोलो, हाँ बोलो, यहाँ पर देख के बोलो, यहाँ पर। हाय दोस्तों, हमारी जो पापा की वीडियो है और वीडियो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने शेयर दोस्तों के साथ मस्ती कीजिए, दोस्तों के साथ मस्ती कीजिए। तो भाई ये दैट इज टोटली डिपेंड अप टू यू, ऑल ऑफ यू,
कि आप मेरे बेटे की जो है गुहार सुनते हो या नहीं, ठीक है, ये कोई फोर्सली नहीं है, ये तो एक वो है कि बच्चा है। चलो खैर, इनकी बात हम कर रहे थे तो अब ये मेरे से फ़ोन पे आज की डेट में बोल रहे हैं कि वाजपेयी जी सब मेहनत का नतीजा होता है, आप संघर्ष करो आपको भी मिलेगा। अरे भाई, मैं संघर्ष जो है करना, अगर मेरे को करना ही होगा या तो मैं तो कर ही लूँगा ना, आपकी ज़रूरत क्या पड़ेगी मेरे को। लेकिन मैंने बूस्ट दिया आपको, चैनल नेम दिया, सबसे बड़ा जो फोकस होता है, जो आपके पास सब्सक्राइबर है, वो आपके कंटेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि उस कंटेंट में यार दम नहीं है, सच है जो वही है। उस पर व्यू तो मिल सकता है आपको, पर जो सब्सक्राइबर होता है वो कुछ चीज़ें देख करके आता है। पहली चीज़ जो सबसे पहली चीज़ देखता है सब्सक्राइबर, वो यही देखता है कि चैनल का नेम क्या है, इसके इसमें वजन कितना है। तो वो वजन देने वाला ये बंदा है, ये जो नाम दिया है, और पहले क्या नाम था ये लोगों को बता सकते हो अगर बताना चाहो तो, लेकिन बताओगे नहीं क्योंकि बताने का जज्बा नहीं है, शर्म महसूस होती है। राहुल रिपोर्टर नाम था जब 200 सब्सक्राइबर भी नहीं थे आपके पास। क्या सोच करके मुझे फोन किया था कि वाजपेयी जी कुछ मदद कर देंगे और ये भी बता देते मेरे को कि आगे चलकर इस तरीके का बदलाव हो जाएगा, पर वाजपेयी जी तो मूर्ख थे, आपकी हेल्प करते रहे बराबर। तो क्या कहूं, बदला भी ले तो किससे और बददुआ भी दे तो किसको, और बदनाम कैसे कर दूं, खड़ा किया इतना ऊपर तक जिसको, हालांकि अभी तक अभी तो और भी आगे जाओगे और वो अपना मैटर नहीं है। बस मैटर सिर्फ इतना है कि आप जो भी कर रहे हो ये मत सोचो कि सिर्फ आपको अप्रिसिएट मिलेगा इससे, या आपकी बुराई होगी अच्छाई होगी जो भी होगा, सिर्फ आपको नहीं, कहीं ना कहीं मुझे भी मिलेगा। मुझे जनता आपकी नहीं भी बोलेगी, अंदर अंदर मुझे तो फील होगा कि यार मैंने तो अच्छे के लिए शुरुआत कराई थी इस चैनल की। अब भाई, फेक चैनल, फेक हॉन्टेड वीडियो दिखाने वालों सावधान हो जाओ भैया, द रियल रिवील्ड नाम का चैनल जो है आ गया है आपके पास और आपकी भजिया उखेड़ेगा। सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। लेकिन ये क्या हो गया, ये तो फेक में तब्दील हो गया। ये पेड़ हिल रहा भी, अगर आप कोशिश करेंगे देखने की, देखिए पेड़ हिल रहा है। और कोई साउंड आ रहा है? कोई है यहाँ पे मेरे पीछे भाई, इतना बड़ा बच्चा जो है वो बैठा हुआ था, और मैं ऐसे साउंड आ रहा है आपको किसी के रोने का, ये देखिए ये पेड़ हिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए इधर भी कोई साउंड आ रहा है। आप लिटरली रोंगटे देखिए, फुल फुल दोनों आपके रोंगटे खड़े हैं। और ये मत करो भाई, इससे तकलीफ मेरे को होगी क्योंकि जनरेटर कहीं ना कहीं मैं हूँ, और आपको फाउंडर लगाना है आप खुल के लगाओ यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप फाउंडर बोलो, लोगों से तो आपने कभी कहा ही नहीं और इसीलिए आपने फाउंडर लगा दिया कि आपको मालूम था कि आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि आपका भेद खुल जाए और लोगों को सच पता चले। तो भाई, लोगों को आप सच बताओगे नहीं कभी भी, क्योंकि जिसके दिल में चोर होता है, मन में मैल होता है, वो लोगों को सच नहीं बताता है। और आपके मन में अगर मैल ना होता, मैं दावे से कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है ना, और खुल के बोल रहा हूँ कि अगर आपके अंदर मैल ना होता तो आप अपने सब्सक्राइबर को ये बात बताते ज़रूर। कोई भी होता है यार, ये ऑब्वियस बात है कि वो बताता कि किसी ने मेरे लिए क्या किया क्या नहीं किया। मैं यहाँ क्रेडिट मांगने नहीं आया हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू, और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये हेल्प सिर्फ आपके लिए नहीं करी मैंने, हमारे कई एक मित्रगण हैं, कई भाई ऐसे हैं जो कभी कभी मेल कर देते हैं या मेरे पुराने वीडियोस को देख करके,
तो उनकी हेल्प करता हूँ यार। और सोचने वाली बात यह है कि जिनकी भी हेल्प करता हूँ वो बहुत आगे चले जाते हैं और मैं आज भी यहीं पर हूँ, 3K 4K के अंदर ही पड़ा हुआ हूँ। उसका रीज़न सिर्फ इतना है कि YouTube एक ऐसा प्लेस है, इसमें कोई भरोसा नहीं है कि आपका कौन सा वीडियो कब वायरल कर जाए और कितने वीडियोस वायरल होने के बाद आप एक मुकाम हासिल कर लो। तो मैंने अपने लिए नहीं किया, ये सच है, मैं दूसरों के लिए करता रहा, आज भी कर रहा हूँ यार। हमारे पास एक भाई जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ से, बहुत परेशान है, उसने चैनल अपना बनाया, दो दो बार उसको जो है प्रॉब्लम हुई, बिल्कुल हताश हो गया, टूट गया, लेकिन मैंने उसका हौसला अभी भी बढ़ाया और आज भी बढ़ा रहा हूँ, मेरे को फ़ोन करता है वो। तो उससे मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि आगे चल के तुम बदल जाओगे, और ना ही उसको, अगर वो कल को जो है बहुत ऊपर तक भी चला जाता है तो ऐसा भी नहीं कि उससे मैं हेट करने लगूंगा, नहीं। लेकिन हेट ये तब तक नहीं होती है, आपको बता दूं, जब तक सामने वाला नहीं बदलता है। आपका बदलना ये नहीं कि आप कल 200 पे थे आज 76K पे हो गए, ये इसको मैं बदलाव नहीं कहता हूँ, ये तो सफलता है, ये सक्सेस है, ये अचीवमेंट है, और इससे तो प्रेम है यार, ये तो मिलनी चाहिए। लेकिन उसूल और उद्देश्य बदल जाए, आपने जिस वजह से आप आए थे वो पूरा जो है उसूल ही बदल जाए, वो उद्देश्य ही चेंज हो जाए, उसका मकसद ही चेंज हो जाए, तो उसके लिए तो हेट हो सकती है जो आज मेरे को है। आप देख सकते हो इस वीडियो को, आप देखो यार, ये आपके ही अल्फाज हैं। ये जो तुम भूत दिखा रहे हो यूट्यूब नहीं मजाक हो गया, यूट्यूब का तो कुछ दिखाई ना दे कि ये क्या करे हैं भाई, वो तो तुम्हारे कंटेंट पे ध्यान है, तुम्हें पब्लिक। हाँ भाई अंकुर कश्यप व्लॉग, क्या नाटक सा है भाई यूट्यूब पे तेरा, वीडियो देखी तेरी मैंने वो घोस्ट पेपर वाली, मुझे इस बात का जवाब दे दे बड़ा क्लियर सा, वो जो तेरी घोस्ट पेपर वाली मैंने वीडियो देखी है, तू हर एक मोमेंट पे हर एक बारी में तू अपना कैमरा हिलाए जी, ये देखो जी, वो देखो जी, वो देखो जी, ये सबसे घटिया और सबसे बेकार चैनल में इसको अपने मुँह से खुल्ला कहूँ, ये विजय पवन सिंह है ना, वो तो कुछ भी कुछ दिखा देगी, तो बंद कमरे में पीछे चार दोस्त खड़े रखे चैलेंज कर सकूँ मैं। तो सुन मेरी बात, अगर तेरे को वीडियो मेरी समझ में आ रही हो ना तो मेरे को बुला दे, और जो तेरे रेमैन है ना, जो रेमैन है ब्लडी मेरी और ये बुला दे जिसने बुलाना हो, तो क्या समझे वो जिन रेमैन में बाहर तो पेपर सा जला रहा है, पेपर में आग लग रही है, वो पेपर जला के बुझा दिया, नीचे फेंक दिया, पब्लिक ने धुआं दिखा दिया, भाई क्या कर रहा है, व्हाट द हेल तो तू बार बार बोले, जब तेरे में इतनी घटनाएं होती है तो घटनाएं कैमरे पे क्यों नहीं आती भाई। मैंने साफ बोला है द रियल रिवील्ड का ओपन चैलेंज है, जोड़ से यूट्यूबर ने भूत दिखाना हो जब मर्जी हमसे कांटेक्ट करे, हमें करे कमेंट, हम देंगे जवाब। रहे तो आपको पता है कि मेरे को दिखाना आता है सच, झूठ मैं बोल नहीं सकता और झूठ मुझसे बर्दाश्त होता नहीं। इस मकसद के लिए शुरुआत किया था इस चैनल को और नाम दिया था द रियल रिवील्ड। ये जो चैनल आर्ट लगाई है, ये चैनल आर्ट बता दो लोगों को, किसने बनाई है, किसने दी है, किसका हाथ है, और आप मेरे से फ़ोन करके बोल रहे हो कि वाजपेयी जी आप हेटिंग कर रहे हो, हेट्स कर रहे हो। जी हाँ मैं हेट्स कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा आपसे कभी भी कि आपकी जो है चैनल की क्रेडिट चाहिए मुझे, अर्निंग चाहिए मुझे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना, मतलब कोई मतलब भी नहीं बनता है, लेकिन जो चाहिए होता वो आपने कभी नहीं दिया।